आयशा, हर किसी के मुंह पे उस आयशा का नाम है, खास तौर पे तो ताई अम्मी के। ना तो बस नहीं चलता उठाकर उसे अपने घर ले आए। मुझे तो खुद फिक्र हो रही है, पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। डर? किस बात का डर? मामा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको किस बात का डर लग रहा है? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि भाभी के इरादे कुछ सही नहीं है। अगर मैंने अपने कानों से ना सुना होता तो शायद मुझे भी यकीन ना आता। किस बारे में बात कर रही हैं आप और क्या सुना है आपने? मैंने पहले सोचा था कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं तुम्हें वक्त पे बता दूं तो शायद तुम ठीक हो जाओ, संभल जाओ, कुछ अकल आ जाए, क्योंकि मैं तो समझा के थक गई। मामा, आप साफ साफ क्यों नहीं बता रही कि आखिर क्या बात है? क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रही हैं? मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। भाभी शकील भाई से कह रही थी कि वो तुम्हारा और अस्वत का रिश्ता खत्म करना चाहती हैं। क्या? ताई अम्मी ऐसा कैसे कह सकती हैं? मामा, जरूर आपको ना कोई गलत फहमी हुई होगी। ताई अम्मी तो अच्छे से जानती है अस्वत मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो ऐसा नहीं कह सकती। भाभी अस्वत की माँ है, वो जो चाहे कर सकती हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अस्वत तुम्हें पसंद करता है, लेकिन भाभी तुम्हें पसंद नहीं करती। मेरे साथ जिंदगी किसने गुजारनी है, ताई अम्मी ने या अस्वत ने? तुम शायद भूल रही हो, अस्वत अपनी माँ से अलहदा नहीं है, वो शकील भाई और भाभी की इकलौती औलाद है, वो इन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ये तो वक्त बताएगा कौन किसे छोड़ता है और कौन किसे नहीं। मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, अगर तुम इस खुशफहमी में हो कि अस्वत अपने माँ बाप को छोड़ेगा, ये सिर्फ तुम्हारी खुशफहमी है। अनुषे, अस्वत ने बेशक तुम्हारे मामले में अपनी मनमानी कर ली थी, लेकिन वो अपनी माँ की दिनचर्या कभी नहीं करेगा। उन्होंने उसकी तरबियत ही ऐसी की है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। आयशा को देखो, उसने पराई लड़की होती है। बस मामा, बेजार हो गई हूँ मैं आपकी ये बातें सुन सुन के। आयशा नहीं हूँ मैं और न उस जैसी बन सकती हूँ। अनुषे हूँ मैं, अनुषे। ठीक है, तुम आयशा नहीं बन सकती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम आयशा की तरह भाभी के दिल में अपना मुकाम बनाओ, इतना तो कर सकती हो ना। जब तक तुम्हारी शादी अस्वत से नहीं हो जाती तब तक ये करो, उसके बाद जो दिल में आए करती रहना।